अध्याय का श्रवण करेंगे। लोग कहते हैं कि भगवान ने तो रास किया था। हाँ किया था, भगवान ने तो रास किया था सखियों के साथ। हाँ भैया रास किया था सखियों के साथ, तो फिर हमारे करने में क्या बुराई है, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन जब तक आप उस बात का अर्थ जानोगे नहीं, आधी अधूरी बात को जानोगे, जब महिलाएं रसोई घर में कोई रेसिपी बनाने जाती हैं और आधी अधूरी बना के रखेंगी तो कैसी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। पूरा बना के रखेंगी तो ही अच्छा लगेगा। कहते हैं भगवान ने रास किया। हाँ किया, लेकिन थोड़ा सुनो तो सही। सत्संग में बैठोगे, उसका अर्थ जानोगे, तब पता चलेगा कि जब भगवान ने महाराज रास की सुंदर सी लीला की थी, तब हमारे प्रभु की आयु थी मात्र 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष। अब आप सभी ज्ञानी और अनुभवी बैठे हैं, बताइए क्या 11 से 12 वर्ष के बालक के मन में कोई काम भावनाएं आ सकती हैं? क्या आएंगे? कोई 11 वर्ष का बालक है उसके मन में कोई काम भावनाएं आएंगे? कोई गलत विचार आएंगे? किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकते महाराज। और गोपियों की उम्र, गोपियों की उम्र तो सुनो, गोपियों की उम्र क्या थी? उस रास मंडल में महाराज 80-80 बरस की गोपियां थी। और प्रभु ने ये लीला सिर्फ और सिर्फ उन गोपियों को, वो जो गोपियां थी वो गोपियां साधारण गोपियां नहीं, बड़े बड़े महान ऋषि संत थे। उन संतों की जो तपस्या थी महाराज, उस तपस्या के फल स्वरूप भगवान ने रास की सुंदर लीला की थी।